इश्क है मेरी इबादत। तो नींद आनी से रही मुझे। क्यों गुलाब हो, क्यों छोड़कर चली गई तुम मुझे? गुलाब हो क्या तुम्हारी जॉब मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई तुम्हारे लिए? गुलाब हो जानती हो तुम कितनी लकी थी कि तुम्हें हरमन सिंह जैसा प्यार करने वाला मिला था जो तुम्हें सब कुछ करने देता था। और एक मुझे देखो, मैं तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। मुझे कॉलेज के अलावा भी ना हर जगह छुप छुप के जाना पड़ता है। मेहंदी में जाओ तो शादी में नहीं जा सकती, शादी में जाना है तो संगीत मिस करना पड़ता है। मतलब गुलाबो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती इस घर में। कुछ भी नया करने की सोचती हूँ तो हरक सिंह, प्रीतो और दोनों भाई मिलकर कुछ ना कुछ रोक टोक कर देते हैं, कभी कुछ हो ही नहीं पाता। और अभी भी देखो ना, मैं कितनी एक्साइटेड थी वैलेंटाइन वीक के लिए। तो उस डे ऐसे ही चला गया, प्रपोज डे सपने में बीत गया। चॉकलेट डे बचा था ले देखे, उस पर विराट मेरे लिए चॉकलेट भी लाए लेकिन मैं ले ही नहीं पाई। और आज टेडी डे है, किसी ने मुझे टेडी भी नहीं दिया। अरे लेकिन टेडी जैसी क्यूट लड़की को टेडी चाहिए क्यों? गुलाब वो देख रही है ना, मुझे खुली आंखों से भी ना सपने दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है वो खिड़की पर है, पर आई नो ये मेरा सपना है। अरे सपना नहीं, हकीकत है ये। अब जल्दी से हाथ पकड़ो और हेल्प करो मेरी। खीर तू जाग जा, वरना उसकी आवाजें सुनती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अरे जागी हुई हो तुम, और मैं सच में तुम्हारी खिड़की पे लटका हुआ हूँ। अब खींचो मुझे। तुम सच में आए हो क्या? एक बार चूटी काट के दिखाओ। चूटी काटने को कहा था, पूरा हाथ पहुंचने को नहीं। अंदर आओ जल्दी, विराट को देख लेगा। विराट तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम जल्दी जाओ वरना बहुत बड़ा स्यापा खड़ा हो जाएगा। जाओ। मैंने बहुत सोचा कि मैं आऊं या ना आऊं, फिर मेरी नजर खिड़की पे पड़ी और तुम्हारी याद आ गई। अगर आज नहीं आता ना, सारी रात नींद नहीं आती। विराट विराट देखो, आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे दोस्ती की
लेकिन आप ये बात समझ लो कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं रख सकती। तुम रख सकती हो या नहीं ये मुझे नहीं जानना, मुझे बस इतना जानना है कि तुम रखना चाहती हो या नहीं। तू अब विराट से कभी नहीं मिलेगी। अब तेरे सामने या तो विराट है या तेरे वीर जी, दोनों में से एक को ही चुनना है। विराट, मैंने तुमसे कहा ना तुम जाओ यहाँ से, प्लीज। मैं अपना जवाब दिए बिना नहीं जाऊंगा। तुम क्यों जिद कर रहे हो बच्चों की तरह? मैंने तुमसे कहा ना जाओ, वरना बहुत बड़ा स्यापा खड़ा हो जाएगा, कोई आ जाएगा। आई डोंट केयर, किसी को देखना है तो देख ले, मैं अपना जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगा। ठीक है तो सुनो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती, सुन लिया? अब जाओ। अरे ये हमारी गुलाबो है ना? हाँ, आप गुलाबो? ये विराट, और विराट ये मेरी गुलाबो। एक मिनट, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये गुलाबो है? इतना सुना इनके बारे में तुमसे, और फोटो तो डिस्क्रिप्शन से एकदम मैच करती है। बहुत प्यार करती हो ना तुम अपनी गुलाबों से? बहुत से भी ज्यादा बहुत, ये मेरी दुनिया है। तो फिर इनकी कसम खा के कहो कि तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती, चला जाऊंगा, कभी लौट के नहीं आऊंगा। विराट, मैं गुलाबों की कसम झूठी नहीं खा सकती। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो अपने भाइयों को जानती है ना, दोस्ती के चक्कर में घर में बवाल करना चाहती है। अरे वही तो, ये क्या बात हुई? अरे दोस्ती करना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। और जहाँ तक घर वालों की बात है, कौन से घर वाले चाहेंगे कि उसकी बेटी दोस्ती करे? मैंने नहीं लगता कि दोस्ती करना कोई बुरी बात है। हीर ने कोई अलग काम नहीं किया। अरे मैं भी तो यही समझाना चाहता हूँ इसको, मैं भी तो अपने घर वालों से छुप कर ही आया हूँ, और ये अपने घर वालों से डर कर मुझे भगा रही है। सही तो कह रहा है विराट। क्यों ही? मैं भी तो तेरी दादी हूँ, मैंने तो नहीं लगता कि दोस्ती करना कोई बुरी बात है। लेकिन विराट, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या? टेडी डे वाले दिन खाली हाथ आ गए। अरे मैं कौन सा खाली हाथ आना चाहता था, लेकिन इसका मूड का नहीं पता ना। जैसे चॉकलेट नहीं ली, टेडी के साथ मुझे वापस भेज दी थी तो। ओ हेलो, मूड वूड कुछ नहीं होता, नियत होनी चाहिए बस। मूड जैसा भी हो अच्छा ही हो जाता। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है लड़कियों के बारे में। क्या पता मुझे भी टेडी मिलता तो मेरा भी मूड। ऐसी बात है तो चलो। कहाँ? तुम चलो तो सही, सब कुछ खुद पता चल जाएगा। जाओ हीर, इतने प्यार से कह रहा है बेचारा, जरूर कोई खास बात होगी, जाओ। पर दादी वो तू फिक्र ना कर, आज तक संभाला है ना, आज भी संभाल लूंगी। जाओ 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 जाओ, चली जाओ। चलो चलो। अरे विराट रुको, मेरे पास कुछ है यहाँ से उतरने का, वेट।
वही तो, अच्छा ही हुआ कि मेरे बुलाने पे तुम आ गई। अब देखो फिर मेरी बात तो मानती नहीं, और मैं ये चाहती हूँ कि दोनों ऐसे ही हमेशा के लिए दोस्त रहे, सारी जिंदगी दोनों खुश रहे बस। मैंने ना बचपन से आपके बारे में बहुत सुना है, बिना अपने स्वार्थ के हीर के चेहरे पर कभी भी खुशी नहीं देखेंगी, और उसके बारे में आप क्या ख्याल रखती हैं वो भी जानती हूँ। वाह भाई वाह, बड़ा ज्ञान लेकर आई है तू मेरे बारे में। कोई ना, तुझे जो समझना है समझ ले। चल अब, इसके पहले कि तुझे यहाँ कोई देख ले, जा। क्या कर रही हो, कोई देख लेगा यहाँ पर? पुलिस वाले का बेटा हूँ, चोरी कर रहा हूँ। दादू, दादू, चोर चोर, मैं हूं। इतनी लेट आया? ओए ऐसा क्या, टेडी डे मनाने गया था, टेडी नाइट हो गई है। बहुत लेट हो गया, तू सो जा, कल सुबह बात करेंगे। हैं? गुड नाइट दादू। स्यापा खड़ा हो गया फैक्ट्री में, लोग आ गए हैं कब्जा करने के लिए। मैं अंदर अंदर फैक्ट्री है, तो नई बात नहीं है, अपना हरमन ठीक कर लो। हरमन ते और बिजनेस के काम से जाना है, बड़ा ऑर्डर मिलने का अंदेशा है, वो गुड न्यूज हो सकती है। चल जल्दी तैयार हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रीतो, ये काम है और हम ये बिजनेस डील पूरी करके रहेंगे, डील कैंसिल नहीं होगी। दादू हरमन सिंह ये तो क्या हुआ, उसकी बेटी शीर सिंह अभी जिंदा है, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। ये जुड़ान दे, नहीं नहीं छोटे दादू आप चलिए, नहीं नहीं फैक्ट्री का मामला है, हम संभाल लें। क्यों, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? और बुढ़ापे में ना आप इतना सब काम मत क्या करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो सब लोग सुन लो, जब तक हरमन सिंह वापस नहीं आ जाता मैं ही सबके लिए हरमन सिंह हूं। बाप ठीक है, हाँ हरमन बनने की कोशिश न कर। अभी जी चले, हाँ चल चल। मेरा
गिनाए एक पद हमें वो सिर्फ अपने मन की करता था। तू ऐसा ना करना, क्योंकि देख उसके बिना तेरे दादू और मैं जी ली है, लेकिन तुझे कुछ तू मरे जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। चलो कॉलेज जाओ, जाओ कॉलेज जाओ, सब कॉलेज तू बैग लेके आ, कॉलेज जाना। कर तो मैं भी अपने ही मन की रही, मैं अब भी जाके प्रीतु को मीरी और विराट की दोस्ती के बारे में सब कुछ बता दूंगी। इमोशनल होकर अपने दोस्त के बारे में बताने जा रही है, कोई जरूरत नहीं है। दोस्ती की है तूने, कोई पाप थोड़ी ना किया है जो इतना डर रही है। मैंने एक बात बताई, कॉलेज में कौन ऐसा होता है जिसके दोस्त नहीं होते? तूने कोई गुनाह तो ना कर दिया? बस बेदुखी बातें ना मत सोचा कर, जा कॉलेज जा। वो दादी प्रीतु, मैं कह रही हूँ ना हीर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने छोटे से दिमाग पर ना इतना बड़ा बोझ लेकर मत घूम, जा कॉलेज का वक्त हो गया। जा पापा। स्टार्ट करो।